hello future doctors welcome to my channel that is science with akshu so today's topic is animal kingdom which is one of the most important topic which contains very high weightage almost 4 to 5 questions are fixed from this chapter so you just have to remember the concept and the examples which is only the key point as we want 100% result

कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है और उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक जगह मिलनी चाहिए पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर इसीलिए उसके डिवीजन के अंदर किया जाता है इनटू द फाइलम्स एंड सब फाइलम्स सो लेट्स स्टार्ट विद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल एंड दर्गन लेवल

उस सिंगल सेल के अंदर पूरी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है एज इट इज अ लूज सेल एग्रीगेट एंड देयर एग्जांपल्स आर स्पॉन्जेस एंड पॉरीफेराज सो सेलुलर लेवर पर कौन आते है स्पॉन्जेस और पॉरीफेराज आते हैं इसके एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने बिकॉज दिस इज ओनली द की पॉइंट देन आफ्टर दैट एज यू नो दैट द सेल्स मेक्स द टिश्यूज tissues makes the organ organ makes the organ system and organ system makes the organism so in this way the level of organization is also divided in further cellular level tissue level and the organ level so after that the tissue level as it name defines when the cell grouped together they form the tissues that is uh, example, if we see that is the Cylinderata then after that the organ level of organization when uh, tissues grouped together they will form the organ, and those organs will uh, be in the organism in the high, uh, in the higher animals like Platyhelminthes. After that, the next is circulatory system, which is of two type that is the open type and the closed type. Open type, as it name defines, it contains no blood vessels. एंड ब्लड फ्लोज इन साइनसिस मतलब कि इस ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है साइनसिस के अंदर ओपन कैविटी में फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स बिल्कुल नहीं है जैसे हमारे बॉडी में होते हैं ब्लड जो प्रॉपर वेसल्स के अंदर फ्लो होती है वैसे ओपन टाइप वाले में बिल्कुल नहीं होता फॉर एग्जाम्पल इफ इट एक कॉकरोच कॉकरोच इज ऑफ ओपन सर्कुलेटरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन दैट द ब्लड फ्लोज इन Sinuses. It does not contain any blood vessels, and just opposite to open type, there is closed type. वेअर ब्लड फ्लोज इन क्लोज वेसल्स दैट इज वी तो हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड कैसे फ्लो होता है क्लोज वेसल्स में होता है लेकिन कॉक्रोचेस के अंदर कैसे फ्लो होता है ओपन साइनसेस के अंदर फ्लो होता है राइट देन आफ्टर दैट सिमेट्री सिमेट्री इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट दैट इज ए सीमेट्रिकल बाइलाइट्रल सिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल सो एज इज नेम डिफाइंड ए सिमेट्रिकल मतलब यहां पर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है अगर हम कोई भी एंगल पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से प्लेन पास करेंगे तो उसके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस देन आफ्टर दैट बायोलैट्रल सिमेट्री एज इट नेम डिफाइंस इट कंटेन्स बाय मीन्स टू सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टू इक्वल हाफ थ्रू वन प्लेन ओनली बीच में से जब हम सिंगल सिंगल प्लेन अगर हम पास करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस देन द बॉडी विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फॉर एग्जांपल वी अगर हमारे सेंट्रल एक्सिस से सिंगल प्लेन पास किया जाएगा तो अब बॉडी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी राइट देन आफ्टर दैट द रेडियल सिमेट्री रेडियल एज इट नेम डिफाइन्स रेडियल मीन्स बहुत सारे राइट right? तो अगर बहुत सारे मतलब एनी कोई भी प्लेन कोई भी प्लेन अगर पास करेंगे सेंट्रल एक्सिस से तो इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फॉर एग्जांपल द स्टारफिश अगर स्टारफिश के सेंट्रल एक्सिस से अगर हम किसी भी एंगल पर प्लेन पास करते हैं तो दैट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑल राइट देन आफ्टर दैट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एज इट नेम डिफाइन्स डिप्लो डिप्लोम इट कंटेन्स टू एम्ब्रोइनिक लेयर्स दैट इज द एक्टोडम एंड द एंडोडम द्रिपलो प्लास्टिक थ्री एमिकलेयर दैट इज एक्टोडर्म एंड एंड मैसोडर्म आफ्टर दैट दिलोम एज इट इज डिवाइड इन टू थ्री पार्ट दट इजो सियडोसिलोम एंड एलोमेट सो माइंड में आ रहा होगा कि क्यू इस तरीके से डिवाइडेड लाइक ट्रू फॉल्स मतलब इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स द रिजन बिहाइंड अगर बॉडी गेविटी लाइंड होगी बाय मेसोडर्म दैट इज कॉल्ड ट्रूसिलोम

ट्रू सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स जिसके अंदर बॉडी डिवाइडेड इंटू इंटरनली एंड एक्सटर्नली जिसके अंदर बॉडी जो है वो इंटरनली भी डिवाइड हो सकती है और एक्सटर्नली भी डिवाइड हो सकती है दैट इज कॉल्ड एस ट्रू सेगमेंट दैट इज मेटामर्स आफ्टर दैट नोटो कॉर्ड इट इज डोर्सल रॉड लाइक बोन विच इज डिडेड इंटू टू पार्ट दैट इज कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स विद नोटो कॉर्ड एंड नॉन कॉर्डेट्स आर विद आउट नोटो कॉर्ड नाउ द नेक्स्ट यर वी बिगिन विद फाइलम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट

For food respiration and excretion, which is most important point of the porifera, that water canal system which is asked frequently in the need that the water canal system helps for food respiration and excretion. Body walls with many pores called as as you can see in the diagram, there are many osteas through which water is entered inside the body. They are diploblastic, water enters through the ostea and goes out to the osculum and the skeleton of spicules or spongine fibers so as you can see in the diagram water comes inside from ostea and goes out through the osculum and it contains the spicules and spongine fiber in skeleton form here you can see the bag like structure called as quanocytes they help to catch the food through the bags With uh, when water is entered inside the body okay? दे आर हर्माफ्रोडाइट्स दैट इज हर्माफ्रोडाइट मतलब कि ऑर्गेनिजम हैविंग बोथ द मेल एंड द फीमेल सेक्सेस रिप्रोडक्शन दैट मे भी थ्रू असेक्शुअल और सेक्शुअल अगर असेक्शुअली होता है तो देट विल शो फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्शली अगर होता है तो देट विल भी थ्रू द गैमेट्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट For example, the examples are the important as I have made trick specially for those examples to remember: is cycon, spongilla, and euspongiate. And the trick is euspongo sponge. Ew is for euspongia, psycho is for cycon, and sponge is for spongilla. Alright, I hope this is helpful for you to remember. Then the next is phylum cilenterator that is cnidaria so these are aquatic marine cecil or free living the presence of nidoblast or nidocytes that is the stinging cells or nematocytes as you can see in the diagram these are very the most important point of the cilenterate that is the nidoblast are for defense and and predation you have to remember this point because this is the important point of this cilenterator that these blasts are for defense, encourage and predation. These are tissue-level body organization, they are diploblastic and they show metagenesis. They have the central gastrovascular cavity with a single mouth opening on hypostome as they have two body forms that is polyp and medusa you can see the diagram they contains a central gastrovascular cavity and a single mouth opening on hypostome so this polyp and medusa show very uh, uh, unique character with each other this polyp produces medusa asexually and this medusa produces polyp sexually this is important point you have to remember all right ज यू कैन सी देर बोर्ड डायग्राम डिफरेंटली हेयर द पॉलिप डायग्राम इज हे एंड दिमाड्यूसा डायग्राम इज है एंड देयर एग्जाम्पल ट्रिक इज घोर पाप मे घोर का जी इज फॉर गोरगोनिया एच इज फॉर हाइड्रा ओ इज फॉर ओबेलिया आर इज साइलेंट है पी इज फॉर पाप का पी ठीक है पाप का पी इज फॉर फाइसेलिया ए इज फॉर ऑरेलिया p again is for pennatula and May is silent here i hope those tricks are very helpful for you to remember now the next is phylum tenophora which is also called as sea walnuts or calm jellies the reason why this tenophora is called sea walnut or comb jellies we will see further this tenophora is marine radial symmetry it is diploblastic it contains tissue grade and it also contains 8 external rows of comb plates. The reason why those uh, tenophoras are called as walnuts or comb jelly is that it contains 8 external rows of comb plates. The most important point you have to remember in tenophora that is the bioluminescence. This tenophora contains the character of bioluminescence which is a production of प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आपने जुमान जी टू देखी होगी जिन्होंने भी देखी होगी उसको पता होगा कि द इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनिज्म इन साइड द वॉटर वॉज कंटेनिंग द कैरेक्टर ऑफ बायोलूमसेंस बाय जनरेटिंग लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बायोलूमसेंस एज दिस टेनोफोरा शोज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड देय एग्जाम्पल स्ट्रिक इज ब्लू blue is for pleurobrachia and toe is for tenoplana okay. then the next is platyhelminthes which is also called as flatworms these flatworms shows organ level of organization they are bilaterally symmetrical they show triploblastic, they are ursulimate and they are endoparasite endoparasite means ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड साइड द बॉडी ऑफ होस्ट मतलब किसी भी होस्ट मतलब कि किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म uh, को एंडोपेरासाइड बोलते हैं ठीक है बॉडी इज डोरसो वेंट्रली फ्रैटन डोरसो वेंट्रली मीन्स लेट मी एक्सप्लेन एज यू कैन सी हेयर दिस कार्टून इट्स डोरसल साइड इज टूवर्ड्स द बैक बोन साइड एंड इट्स वेंट्रल साइड इज टूवर्ड्स द चेस्ट दैट इज वेयर हार्ट इज लोकेटेड दैट इज द वेंट्रल साइड

and the example trick is tata liver ola tata is for Tania, that is step worm and liver ola is for fasciola liver then the next phylum is ascaelminthus which is also called round worm so this ascaelminthus is free living or parasitic they are aquatic and terrestrial they show bilateral symmetry and they are triploblastic pseudosilomate. Here, the male is smaller and thinner than female. The most important point you have to remember in element is that they have elementary canal which is completed with a well-developed muscular pharynx and that helps to remove the waste from the body and have excretory pores. the important point as uh, its name. ज के एलिमेंटिस तो के एलिमेंटिस का ए और एलिमेंट्री कैनाल का ए यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट ठीक है तो के एलिमेंटिस में एलिमेंट्री कैनाल से जो है वो डेवलपमेंट चालू होता है एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड है विद द वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरनिक्स जो कि हेल्प करता है बॉडी वेस्ट को रिमूव करने में और उनके पास एक्सक्रीटरी पोर्स भी है डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देन द इज As anyone have voucher. So this statement is asking someone for a voucher. And here as is for. ascaris, Anyone is encyclostoma. Have is silent here. And voucher is voucher Then the next phylum is annelida, Which means little ring. They are aquatic or terrestrial. They may be free living or parasitic. They have organ system level body. They are bilateral symmetrical. They show triploblastic, silomate, and they have parapodia for swimming. The most important point you have to remember in annelida is that they have nephridia for excretion and osmoregulation. The important point: this annelida have nephridia. The nephridia they have, which helps for excretion as well as for osmoregulation. They have ventral double nerve cord they may be monocious or dioceous. they have metameric segmentation and they show sexual reproduction the important point one more you have to remember in annelida is they have closed circulatory system and they are metamerically segmented as you can see in the diagram the small rings little rings in the earthworm shows the metameric segmentation all right then the एग्जाम्पल स्ट्रिक इज नेरीज मे हेरा फेरी नेरीज इज एयर नेरीज मे इज साइलेंट हेयर हेरा इज फॉर हाइरो विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिच एंड फेरा इज फॉर फेरी टिमा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ वर्म देन द नेक्स्ट फाइलम इज अर्थरोपोडा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्वाइंटेड लेग्स अर्थरोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम अर्थरोपोडा जो पहला ऐसा फाइलम है जो सबसे बड़ा है ठीक है दे आर बायोलैट्रल सिमिट्रिकल They show organ level system of organization. They are triploblastic. They have segmented silament and the body is divided into head, thorax, and abdomen. The body is covered by chitinous exoskeleton. Blood without यूमोग्लोबिन द इम्पॉटेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट अर्थ्रोपोडास डज नॉट हैव यूमोग्लोबिन दैट्स वाई उनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है रेड नहीं होता है दे हैव ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम रिमेंबर दिस पॉइंट ठीक है अर्थ्रोपोड़ा का कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन है वहाँ पर ब्लड जो है वो साइनसिस के अंदर फ्लो होता है मैंने पहले भी बताया है ओपन टाइप और क्लोज टाइप में कि जो कॉकरोच है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है जो ब्लड है ओपन टाइप के अंदर वो साइनसिस के अंदर फ्रीली फ्लो होता है उनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स बुक लंग्स एंड ट्रैकििया

Then the next phylum is mollusca, which is soft body animals. This is the second largest phylum. The first one is arthropoda, and the second largest phylum is the mollusca. It is aquatic and they are bilateral symmetrical. They show triploblastic and silomate. The body is divided into head, muscular foot, and the visceral hump. This mollusca is unsegmented. ठीक है एनोलिडा हमने देखा था कि वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है बट दिस इज मॉल्यूसका मॉल्यूस्का की जो बॉडी है इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन मॉल्यूसका की जो उसकी बॉडी है इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल इट इज सॉफ्ट मेंटल ओवर विसरल हम्प विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट मेंटल जो है वो प्रेजेंट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन मोल्यूस्का के अंदर गिल्स के थ्रू होता है रिमेंबर दिस पॉइंट दैट रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन मॉल्युस्का इस थ्रू गिल्स दे आर यूनिसेक्शल सेंसरी टेंटिकल्स ऑन हेड एंड रेड्यूला इन माउथ तो इनके अंदर सेंसरी टेंटिकल्स तेंस जो प्रेजेंट है हेड के ऊपर एंड रेड्यूला जो प्रेजेंट है इन माउथ एंड द एगजाम्पल ट्रिक इज पिला पिंक एप्पल लाओ और दांत से चबाओ सो हेयर पाला इज पिला एप्पल स्नेल पिंक इज़ फॉर पिनिकटाडा दैट इज पेरल ओइस्टर एप्पल इज़ फॉर एप्लेसिया दैट इज़ सी हेयर लाओ इज़ फॉर लोली गो स्क्विथ और इज फॉर ऑक्टोपस विच इज जेवल फिश दांत इज फॉर देंटेलियम दैट इज टेल से इज फॉर सेपिया विच इज़ कटल फिश एंड चबाओ इज़ साइलेंट हेयर

एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं स्टारफिश को तो स्टारफिश जो है वो रेडियल शो करता है इन अडल्ट बट जो बेबीज रहेगी जो लार्वीज रहेंगे अकीनोडोमेटा के वो बाइलेट्रल सिमेट्री शो करेंगे ठीक है ये पॉइंट ध्यान में रखना एक्नोडोमेटा के लारवीज बायोलेट्रल सिमेट्री शो करेंगे और अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे दे आर ट्रिपलोब्लास्टिक सिलोमेट एंड द माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रली वेंट्रली मतलब कि जहां चेस्ट है हमारी हार्ट जहां पे प्रेजेंट है एकीनोडमेटा का माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है मतलब चेस्ट की तरफ प्रेजेंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन एक्नोडोमेटा इज दैट द वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म करता है लाइक लोकोमोशन कैप्चर ऑफ प्रे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिशन सिस्टमोडा में लोकोमोशन प्रोवाइड करता है कैप्चर ऑफ प्रे प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द बॉडी एंड रेस्पिशन ठीक है रिमेंबर दिस पॉइंट दे हैव कंप्लीट डायजेस्टिव सिस्टम एक्नोडमेटा के अंदर कंप्लीट डायजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर जो वो सेपरेट, सेक्सेस से सेपरेट है मेल एंड फीमेल सेक्सेस कैसे सेपरेटेड है दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ स्विमिंग लावी तो जो इनका एक, जो फर्टिलाइजेशन uh, वो होगा वो एक्सटर्नल होगा और जो इनके डेवलपमेंट uh, होगी वो इनडायरेक्ट होगी बाय स्विमिंग लार्वीज तो बाहर होगी और जो लारवीज रहेगा वो स्विम करेगी इन द वॉटर ठीक है एंड द एग्जाम्पल स्ट्रिक ऑफ एक्नोडमेटा इज उसे चिन एस्टर डॉन को मारिया दिस इज क्वाइट फनी मैंने जानबूझ कर ऐसे अट्रैक्टिव ट्रिक्स बनाए ताकि एकदम माइंड में एक ही लाइन में बैठ जाए सारे एग्जाम्पल्स एंड दिस इज क्वाइट ईजी सो हियर उफ्स इज फॉर ओफ्यूरा विच इज ब्रिटल स्टार चिन इज़ फॉर एक्कीनस एज यू कैन सी चिन स्पेलिंग एंड एकीनस स्पेलिंग एंड सी उर्चिन so remember this chin is for echinus sea urchin ester is for asterias starfish dawn is for antedon sea lily co is silent here and maria is cucumaria which is sea cucumber then the last phylum is hemichordata so this hemichordata shows rudimentary structure in collar region they have stoma cord which is similar to notochord remember this स्टोमा कोड दैट हेमिकॉर्डेटा हैव स्टोमा कोड विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड दिस हेमिकॉर्डेटा इज मराइन देव दे आर बायोलेट्रल सिमिट्री दे आर ट्रिपलो ब्लास्टिक सिलोमेड एंड बॉडी इज डिवाइडेड इन टू प्रोबर्सिस कॉलर एंड ट्रंक दिस हेमिकॉर्डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर हियर इस दे शो ओपन सर्क्यूलेट्री सिस्टम हमने देखा था कौन ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम शो करता है पोड़ा ठीक है अर्थ्रपोड़ा और हेमिकॉर्डेटा ये दोनों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं हेयर द रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स यहाँ पर प्रोबुस्कस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है विच हेल्प फॉर एक्सक्रीशन ठीक है रिमेंबर दिस पॉइंट दिस प्रोबस्किस हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड द एग्जाम्पल स्ट्रिक इज ग्लोस ब्रिंग सैक ऑफ बाल

then next we see here the difference between the chordates and non-chordates so basically chordates are uh, in chordates notochord is present but in non-chordates notochord is absent as it name defined chordates have notochord but non-chordates does not have notochord then the next chordates have central nervous system is dorsal hollow and single to तो jo central nervous system hai chordates ke andar wo kaisa hai dorsal hai matlab ki piche ki taraf hamare backbone ki taraf present hai hollow matlab ki khali hai aur single hai theek hai but in non chordates central nervous system is ventral solid and double लेकिन non chordates के अंदर जो central nervous system है वो कैसा ventral ventral मतलब कि chest की तरफ है solid है और double है देन कॉर्डिट्स के अंदर फेरनिक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स जो फेरनिक्स है वो परफोरेटेड करते हैं परफोरेटेड है बाय गिल स्लिट्स वाइल इन नॉन कॉर्डेट्स गिल स्लिट्स आर एबसेंट देन नेक्स्ट इज हार्ट इज वेंट्रल इन कॉर्डेट्स वेंट्रल मतलब कि बताया मैंने चेस्ट की तरफ है ना हमारा जहाँ हार्ट है वहां पर कॉर्डेट्स का जो है वो हार्ट लोकेटेड है वेंट्रली एंड इन नॉन कॉर्डेट्स हार्ट इज डोरसल अगर प्रेजेंट है तो अगर हार्ट प्रेजेंट है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर तो वो डोरसली प्रेजेंट होगा मतलब कि बैक बोन साइड देन द लास्ट पॉइंट इज इन कॉर्डेट्स पोस्ट एनाल पार्ट टेल इज प्रेजेंट कॉर्डेट्स के अंदर जो टेल पार्ट है दैट इज पोस्ट एनाल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है बट इन नॉन कॉर्डेट्स पोस्ट एन एनल टेल इज एबसेंट जो पोस्ट एनल टेल जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर एबसेंट होता है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिसला विच इज डिडेड इंटू थ्री पार्ट देट इज यूरोडेटा और ट्यूनिकेटा सिफेलो कार्डेटा एंड दर्टिब्रेटा सो हियर यूरोडेटा और ट्यूनिकेटा शोज दैट द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लारवल टेल एग्जाम्पल इज एसकेडिया ठीक है तो यहां पर यूरोडेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ लारवल टेल के अंदर लारवल स्टेज के अंदर प्रेजेंट है एग्जाम्पल इसका एसकेडिया देन दे नेक्स्ट इज सिफेलो कॉर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल इन ऑल दी स्टेजेस Example is branchiostomata and the next one is vertebrata where notochord is replaced by vertebral column. So, we will study in detail about the subphylas and their sub subphyla and classes in the next video. So, I hope those short notes and tricks are very helpful for you to study. As we want 100% result, we will study smartly. So, keep motivating yourself, also motivate me by subscribing my channel and also press the bell icon. बिकॉज जब भी वीडियो आए आप सबसे पहले देख पाए थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट